मैं इंदुमति तंवर प्रवक्ता सीडीडीएम राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज मैं आपको चाइल्ड बेसिक स्लीप ब्लॉक के बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले बेसिक ब्लॉक्स क्या होते हैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहिए। बेसिक ब्लॉक क्या होते हैं? बेसिक ब्लॉक जो भी हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं उसका आधार होते हैं। ये ड्राफ्टिंग को आसान व सुविधाजनक बनाने में सहायक होते हैं। जो भी हमारे बेसिक ब्लॉक्स होते हैं वो सिंपल पर हमें आउटलाइन शेप प्रदान करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की डिजाइनिंग, सीम अलाउंस और हेम अलाउंस ऐड नहीं किया जाता है। ये अलग अलग चिल्ड्रंस, लेडीज और जेंट्स के ब्लॉक्स अलग अलग बनाए जाते हैं। बेसिक ब्लॉक हमें थ्री टाइप्स के ब्लॉक तैयार किए जाते हैं, बेसिक बॉडीज ब्लॉक, बेसिक हिप ब्लॉक और बेसिक स्लीव ब्लॉक। बेसिक बॉडीज ब्लॉक में आप लोग जितने भी बॉडी के जो भी ऊपरी हिस्से में गारमेंट्स पहने जाते हैं उनके पैटर्न्स तैयार किए जाते हैं। बेसिक हिप ब्लॉक में जितने भी अपने लोअर गारमेंट्स होते हैं या बॉडी के जो भी निचले हिस्से में अपने गारमेंट्स पहने जाते हैं, बेसिक हिप ब्लॉक के माध्यम से उनके पैटर्न तैयार किए जाते हैं। बेसिक स्लीव ब्लॉक में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीव्स के जो भी आपके पैटर्न्स हैं वो तैयार किए जाते हैं। इसके बाद आपको मैं बेसिक स्लीव ब्लॉक की थोड़ी सी ड्राफ्टिंग बताऊँगी। सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट्स लेंगे। मेजरमेंट्स आपका स्लीव लेंथ है 14 सेंटीमीटर, चेस्ट है आपका 56 सेंटीमीटर। ये हमने 3 से 4 साल के बच्चे के मेजरमेंट्स लिए हैं। सबसे पहले 0 to 1 हम लोग ये जो ब्लॉक्स तैयार करते हैं, ये हमारी जो फाउंडेशन लाइन है, जो आधारभूत रेखा है, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग बेसिक ब्लॉक तैयार करते हैं। 0 to 1 सबसे पहले लेंथ लेंगे। 0 to 1 लेंथ आपकी स्लीव लेंथ है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हम लोग इस लेंथ लेंगे। मैंने आपको बताया था ब्लॉक्स जितने भी बेसिक ब्लॉक्स होते हैं उसमें ना तो सीम अलाउंस ऐड किया जाता है, नो भी जा और डिजाइन अलाउंस कुछ भी ऐड नहीं किया जाता। 0 to 2 आपको लेना है 1/4 ऑफ चेस्ट। 56 सेंटीमीटर आपने चेस्ट लिया है तो आप चेस्ट का 1/4 पार्ट निकालोगे, 56 का 14 सेंटीमीटर। 0 to 2 आपको 14 सेंटीमीटर लेना है। 2 to 3 आपको स्लीव लेंथ लेनी है, जितना आपने 0 to 1 लिया है उतना आपने 0 to 3 लेना है। 2 to 4 आपको लेना है 1/12 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर। चेस्ट आपका 56 सेंटीमीटर, 56 का आप 12th पार्ट निकालोगे 4.6 आएगा, उसके बाद आपको उसमें 2.5 सेंटीमीटर ऐड करना है, आपका 7.1 सेंटीमीटर होगा। 2 to 4 आपका 7.1 सेंटीमीटर लेना है। इसके बाद आपको 3 to 5 अंदर की तरफ 2.5 सेंटीमीटर लेना है। जॉइंट 0 to 4 6 इज द मिड पॉइंट ऑफ 0 to 4, 7 इज द मिड पॉइंट ऑफ 0 to 6, 8 इज द मिड पॉइंट ऑफ 4 to 6। आपको इसके मिड पॉइंट्स लेने हैं। 7 to 9 1.5 सेंटीमीटर आपको ऊपर की तरफ लेना है। 8 to 10 0.75 सेंटीमीटर आपको नीचे की तरफ लेना है। इसके बाद हम लोग ये सारे पॉइंट्स जॉइन करेंगे 4, 10, 6, 9 and 0। आपको बिल्कुल स्लाइटली कर्व शेप लेते हुए इन सारे पॉइंट्स को जॉइन करना है फ्रंट आर्म और शेप के लिए। इसके बाद हमारा फ्रंट तैयार होने के बाद हम लोग बैक बनाएंगे। बैक पार्ट आपका बिल्कुल सेम एज इट इज आपको बनाना है। 0 to 1 लेंथ ऑफ स्लीव, 0 to 2 आपको चेस्ट का 1/4 पार्ट लेना है 14 सेंटीमीटर, 2 to 3 इक्वल टू 0 to 1, 2 to 4 आपने जितना यहाँ लिया है 1/12 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर उतना ही आपको यहाँ लेना है 1/12 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर। 3 to 5 अंदर की तरफ आपको 2.5 सेंटीमीटर लेना है। जॉइंट 4 to 5 जॉइंट 0 to 4, 6 इज द मिड पॉइंट ऑफ 0 to 4, 7 इज द मिड पॉइंट ऑफ 0 to 6, 8 इज द मिड पॉइंट ऑफ 6 to 4। आपको इसके मिड पॉइंट्स लेने हैं। इसके बाद 7 to 9 आपको लेना है ऊपर की तरफ 1.5 सेंटीमीटर, 6 to 11 लेना है आपको 1 सेंटीमीटर जी। इसके बाद आप लोग ये सारे पॉइंट्स मिलाओगे 0, 9, 11, 8 and 4। आपको स्लाइटली कर्व
आपको बैक का आर्महोल शेप लेना है, 0, 9, 11, 8 and 4। इस तरह से आपका बैक आर्महोल शेप आएगा। यहाँ आपके फ्रंट आर्महोल शेप है, इस तरह से आपका ये दो मेजरमेंट्स लेते हुए स्लीव लेंथ और चेस्ट आपका स्लीव बेसिक ब्लॉक हम लोग तैयार करते हैं। इस ब्लॉक के माध्यम से हम लोग जितने भी हमारे जो भी डिज़ाइनर स्लीव्स हैं और जो भी हमारे तरह तरह के जो भी स्लीव्स के पैटर्न हैं, हम लोग इसके थ्रू हम लोग ये तैयार करते हैं। थैंक यू। आया समय